दे, तुम तो डरा ही दिया मुझे। और वो फिल्म ढूंढ रहे हो? हाँ, लेकिन ये सारी देख चुका हूँ मैं। कोई नई फिल्म है? एक है, तू? हाँ, क्यों नहीं, ये रख ले। आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं आई है। खूनी ट्रेन, ये कैसा अजीब सा नाम है, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे तभी तो कह रहा हूँ, आज तक ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए? अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, कह रहा हूँ ना अच्छी फिल्म है, देखो। अरे लेकिन इस फिल्म का ना पोस्टर देखा है मैंने, इसका हीरो कौन है इसका? अरे हीरो वीरो को छोड़ो यार, हॉरर फिल्म में सिर्फ हीरोइन होती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि तू ये फिल्म देखने से पहले ही डर गया। तुम्हारे चेहरे में मुझे डर दिख रहा है। 500 से ज्यादा हॉरर फिल्में देख चुका हूँ मैं, डर वर नहीं लगता, उल्टा हंसी आती है सब देख के। अच्छा ये फिल्म देखो, अगर तुम्हें डर नहीं लगा ना तो मैं 100 DVD गिफ्ट दूंगा तेरे को फ्री में। 100 DVD फ्री? फ्री, फुक्कट फुक्कट। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि इस DVD में क्या खास बात है, लेकिन अपना वो DVD का वादा भूलना मत। अरे तू एक बार देख तो ले, मुझे मालूम है 100 DVD देने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तो मैं जरूर देखूंगा। खूनी ट्रेन बेटा, एक बार DVD देख तो ले, फिर जो तेरा हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। खूनी ट्रेन, अब पता चलेगा कि कितनी डरावनी फिल्म है ये। अरे वाह, पॉपकॉर्न। यस, इसे कहते हैं घर में थिएटर का मजा। काफी टाइम से अच्छी मूवी नहीं देखी है ना। अभी इसे देखो, ये बहुत ही डरावनी है। कम ऑन, डरावनी? तुम तो हमेशा ऐसी मूवीज देख के हंसते ही रहते हो। सिद, ये तो बहुत डरावनी मूवी है, मुझसे नहीं देखी जा रही है। DVD वाला सही कह रहा था, फिल्म ही वो डरावनी फिल्म। ये अचानक क्या हुआ? DVD अटक तो नहीं गई ना? आजकल तो DVD का भरोसा ही नहीं है। जरा चेक करता हूँ। तुम पुलिस के पास जाओ। तो कुछ हो रही है? हमें पकड़वाओ। उसे हमें 27 जुलाई 2009। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी आत्मा ना अभी तक मरी नहीं। मीनाक्षी है ना? मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। नादान छोकरी। दीदी, अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे। मैं तो इसी उम्मीद में थी कि एक न एक दिन मेरी दीदी जरूर वापस आएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन उनका खून। संभालो अपने आप को। बड़ी अजीब बात है, 2 साल पहले तुम्हारी बहन मीनाक्षी घर से गायब हुई और अचानक 2 साल बाद कोई एक DVD भेजता है जिसमें दिख रहा है कि कोई आदमी तुम्हारी बहन को गोली मार रहा है। सर वो तो एक फिल्म की DVD थी, उसमें ये सब कैसे आ गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई ना कोई तो है जो ये चाहता है कि इस DVD के जरिए मीनाक्षी की मौत की खबर तुम लोगों तक पहुंच जाए।
एक बार बताओ, ये मीनाक्षी दो साल पहले किस दिन गायब हुई थी एग्जैक्टली? 27 जुलाई 2009 को। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल पाए। 27 जुलाई 2009, ये तो वीडियो पे भी लिखा है ना ये डेट? हाँ। जिस दिन ये मीनाक्षी गायब हुई उसी दिन उसकी मौत हुई, रात को 11:30 बजे। आपको कुछ मालूम है उस रात मीनाक्षी कहाँ पे गई थी? दीदी पंचगनी के लिए निकली थी, मूर्तियों का एग्जीबिशन था, लेकिन वो पंचगनी तो पहुंची ही नहीं। मूर्तियों की एग्जीबिशन? हाँ, दीदी एंटिक एक्सपर्ट थी। एंटिक एक्सपर्ट, वो जो मूर्तियों वगैरह पे रिसर्च करते हैं, वही ना? जी। अच्छा, आपको आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है आपकी बहन को? पता नहीं, दीदी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर वो डीवीडी की दुकान वाला, वो जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे डीवीडी मिली। कहाँ पे ये डीवीडी की दुकान? सर ये स्टैचू सर्कल के पास। मुझे ये डीवीडी चाहिए भी नहीं थी, उसने जबरदस्ती मुझे दी। जबरदस्ती दी? ओहो, चलो ले चलो मैं उस डीवीडी की दुकान में। क्या डीवीडी में खून? जरूर आप लोगों को गलतफहमी हुई होगी, जरूर वो उस फिल्म का ही सीन होगा सर। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, असली जिंदगी का सीन था। वो डीवीडी तुमने सिद्ध को क्यों दी? सर मीनाक्षी के खून में जरूर इसका हाथ है, इसलिए इसने डीवीडी दी मुझे देखने के लिए। तान्या के साथ कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, जरूर जानता कि मीनाक्षी तान्या की बहन है। सर अगर उस खून में मेरा हाथ होता तो मैं खुद उसे वो डीवीडी क्यों देता सर? तो सच बोलने में कितनी देर लगाएगा? मैं सच बोल रहा हूँ सर, हो सकता है सर जो डीवीडी हमें सप्लाई करता है उसने गलती से वो सीन डाल दिया होगा। अच्छा सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये सच बोलने का हैंडल है, डीवीडी की दुकान चलाता है और यहाँ बैठे बैठे खून करवा रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? कुछ याद है सर? जरूर वो डीवीडी वाले ने कुछ किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता सर। 2 मिनट में तू बेहोश हो जाएगा, उसके बाद कब होश आएगा मालूम नहीं, आज कल या 1 महीने बाद। उसने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? एक आदमी ने 20,000 रुपए दिए थे और कहा था कि ये डीवीडी किसी भी तरह शिव को जाकर दे देना। कौन है आदमी? मुझे नहीं मालूम। पैसे लिए और आदमी कौन है मालूम नहीं? मैं नहीं जानता सर। एक अनजान आदमी से तुमने 20,000 रुपए लिए और वो खून वाली डीवीडी तुमने सिद को दे दी? लेकिन उसका फोन नंबर है मेरे पास। अच्छा, सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन के मामले में अक्सर ऐसे ही होता है, फोन बंद आता है। झूठ बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ सर, इस नंबर पे मैंने उससे कई बार बात की है। तुमने उस आदमी को देखा तो है ना, जानता है ना तू उसे? हाँ। अच्छा ये जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ये काम तो कर रहे हैं? हाँ सर। हमें इन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है, पता तो चले कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें 20,000 रुपए दिए। लेकिन वो आदमी इस कैमरे में नहीं है सर। क्यों नहीं है? जब वो इस दुकान में आया तो क्या कैमरे बंद कर दिए गए थे? नहीं मैडम, उस आदमी ने मुझे अपने घर पे बुला के डीवीडी और पैसे दिए थे। वो आदमी है या पैजामा? एक तो यहाँ पे बैठ के गलत काम कर रहा है, ऊपर से हमें गोल गोल घुमा रहा है। तू उसके घर पे गया था ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? नाम क्या उसका? गोविंद। गोविंद, चलो इस गोविंद के घर लेके चलो। चल ये घर है ना? यही है सर उस गोविंद का घर, और इसी दरवाजे के बाहर आकर उसने मुझे पैसे दिए थे। हाँ जी बोलिए। ये गोविंद यही रहता है ना? हाँ जी ये उन्हीं का घर है। मैं गोविंद से मिलना है जरा, बुलाओ मैं। एक मिनट। अच्छा सर ये घर तुमने पहले भी देखा? नहीं सर, और ये गोविंद नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। कहिए कौन है आप लोग? हमें गोविंद से मिलना है। गोविंद आपके सामने खड़ा। ओ भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या? गोविंद तुम हो क्या? फिर मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं गोविंद हूँ? सर ये झूठ बोल रहा है, ये गोविंद नहीं है, मैंने किसी और गोविंद से पैसे लिए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप किसी मीनाक्षी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं तो? इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये मीनाक्षी, आप इसे पहचानते हैं? मैं इसे नहीं पहचानता, किसी ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की है। हाँ मगर उसने मजाक तुम्हारे साथ ही क्यों किया? और ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक खून हुआ है, खून। सर लेकिन मेरा खून से क्या लेना देना? अब ये तो वही आदमी बता सकता है जिसने इसे तुम्हारे घर के सामने लाके पैसे दिए।
क्या उस आदमी का चेहरा तो तुमने ध्यान से देखा था ना? जी बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। ठीक है, उसका स्केच बनवा और आप भी चलिए हमारे साथ। उसका रंग गेहुआ था और आंखें बड़ी बड़ी। तानिया जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पूरा यकीन है इस घर को तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं फौरन पहचान लेती, मेरी याददाश्त अच्छी है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल था। और ये आवाज, इस आदमी की आवाज सुनी थी पहले कभी? देखना रातों रात माला माल हो जाओगी, रातों रात। नहीं सर। ये यहाँ पीछे दीवार पे एक पेंटिंग लगी है ना, काजल जरा जूम कर। चंद्रमुखी, ये तो मशहूर पेंटर चंद्रमुखी की पेंटिंग है। ये तो चंद्रमुखी शायद बता सकती है कि उसने ये पेंटिंग किसे बेची थी। एग्जैक्टली सर। आने के सर, स्केच रेडी है सर। वेरी गुड। तो ये है वो भाई साहब जिसने तुम्हें वो डीवीडी दी थी? हाँ सर, यही है वो बदमाश। बदमाश? पैसे खा के डकार गया, अभी बदमाश बोल रहा है। आप लोग पहचानते हैं? नहीं सर, इससे मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने? नहीं सर। Are you sure? ध्यान से देखो। नहीं सर। गोविंद, तो तुम देखो, पहचानते हो इसे? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। नहीं जानते? तो उसने इस तरह का मजाक क्यों किया तुम्हारे साथ? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप इसे पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आज के बाद ही किसी शरीफ आदमी को परेशान न करे। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। इस चंद्रमुखी से मिलना पड़ेगा, ये पता चल जाए कि वो पेंटिंग उसने किसे बेची है तो वो घर मिल जाएगा जहां पे मीनाक्षी पे गोली चली है। एक्सक्यूज मी। यस, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे घर पे? सीआईडी वाले पेंटिंग वेंटिंग भी खरीदते हैं? नहीं, हमें कोई पेंटिंग नहीं खरीदी। जरा आप ये पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग आप ही नहीं बनाई? पहेली। पहेली? पहेली इस पेंटिंग का नाम है। ओ, पेंटिंग का नाम पहेली है। क्या आप बता सकती है ये पेंटिंग, ये पहेली आपने किसी को दी है या बेची थी? जरूर, ये पेंटिंग मैंने 3 साल पहले बेची थी किसी जयराज को। जयराज? जयराज? इस जयराज का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? घर तो यही है लेकिन ताला लगा के निकल गया। अक्सर ऐसा ही होता है, खूनी के घर में खूनी कम ताले ज्यादा मिलते हैं। आपको इस घर के बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, ना तो मैं इस घर के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही जयराज के बारे में। एक्सक्यूज मी, आप लोग कैसे ढूंढ रहे हो ये जयराज को? आपको मालूम है कहाँ है वो? जयराज तो पिछले 2 साल से अमेरिका में है। 2 साल से? सर, जब से ये मीनाक्षी गायब हुई है तब से जयराज भी अमेरिका में जाके बैठ गया। आप कौन है? जयराज का पड़ोसी हूँ मैं, इसी बगल वाले मकान में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये यहाँ कोई चौकीदार नहीं क्या इस मकान में? चौकीदार एक था तो सही, पर पिछले 1 साल से वो काम पर नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 साल पहले ये जयराज चला गया और साल भर पहले ये चौकीदार चला गया। जयराज ने मुझे ही कह दिया था फोन पे नजर रखने के लिए, बस आपको देखा और पूछताछ करने के लिए चला आया। I see. अच्छा,
इस मकान की चाबी आपके पास? आप लोग यहीं रुकिए। ये वो जगह हो सकती है जहां पे मीनाक्षी का खून किया गया होगा। सर वो देखिए पहली चंद्रमुखी की पेंटिंग। ये तो वही जगह है और मीनाक्षी यहां पे खड़ी थी उस वीडियो में। और सर खूनी यहां पे खड़ा था सर, यहां से उसने मीनाक्षी को गोली मारी है सर। और सर जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो यहां पे इस पर्दे के पीछे छुप के खड़ा होगा। हाँ, इस एंगल से वीडियो शूट हुआ है, आदमी वहां ही होगा और वहां से मतलब जब मीनाक्षी को गोली लगी होगी तो खून वहां पीछे दीवार पे जाके गिरा होगा। सर इससे बात तय हो गई गोली चली थी सर, क्योंकि हमें वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखा था कि मीनाक्षी पे गन तानी गई थी और उसके बाद क्या हुआ ये हमें पता नहीं चला था सर। गोली चली है निखिल और मीनाक्षी को लगी भी है, तभी तो ये खून दीवार पे पड़ा हुआ है। सर हो सकता है कि मीनाक्षी की लाश को खूनी ने यहीं कहीं छुपा दिया हो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लाश को बाहर ले जाना तो किसी मुसीबत से कम नहीं है ना। ये देखा कि इतनी सारी चींटियां ये ऊपर की तरफ जा रही है। देखा फ्रेंड, चीटियां यहां इस कमरे में जा रहे हैं। हाँ चीटियां यहां अलमारी में जा रही हैं। फ्रेंड जरा देखो अलमारी भी तो सिर्फ पुराने कपड़े सर। अच्छा अलमारी हटाओ सर। तो ये बात है कि देखा यहां से लेकर यहां तक ये सीमेंट बाद में लगाया गया है, कुछ गड़बड़ है। निकल कुछ तोड़ने के लिए लेके आओ। अरे अलमारी के पीछे दीवार और दीवार के पीछे एक और अलमारी, तो ऐसा क्या है अलमारी में? तो है इस जयराज का ड्रामा आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 2 साल पहले उसने मीनाक्षी को मारा और फिर उसकी लाश को दीवार में गाड़ कर वो अमेरिका भाग गया। पर सर जब जयराज मीनाक्षी का खून कर रहा था तो वहां पर दूसरा आदमी भी था और उस दूसरे आदमी ने जयराज को मीनाक्षी का खून करते हुए देखा, बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। पर वो आदमी जयराज के एकदम सामने नहीं खड़ा था, उसने जो भी रिकॉर्डिंग की है छुप छुप के की है। अगर वो चाहता तो हल्ला मचा कर मीनाक्षी को मरने से बचा सकता था। यानी वो रिकॉर्डिंग करता रहा और मीनाक्षी का खून होता रहा। पर ये जयराज मीनाक्षी को मारना क्यों चाहता था? ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अरे यार तुम उस वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को क्यों नहीं ढूंढते? वो तो मौजूद था ना वहां पर, वो मिल जाएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसे तो पता है, सब कुछ बता देगा तुम्हें।
डॉक्टर साहब, हम लोग आपके पास आते हैं कभी कभी मुर्दे लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात कुछ ना कुछ सुनाते रहे हमें। मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ बॉस, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। और मैं फिर से सुन करके कन्फर्म करना चाहता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपने सही सुना, जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता है उस दिन आपके कान भी कुछ मेरे कान कुछ ज्यादा बजने लगते हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? वो नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? आप सुनना चाहते तो सुनिए, जिस दिन आपको ड्रामा करने का मूड रहता ना उस दिन आपके कान भी कुछ बजने लगते हैं। दया, तुम मुझसे ऐसे, इतनी बड़ी इंसल्ट। दया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बॉस। देखिए सालों के साहब, ये कंकाल हवा में से नहीं आया, हमने खोद के दीवार में से निकाला है, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, और ये सब हमने आपकी मदद के बिना किया है। 2 साल से मीनाक्षी दीवार के अंदर पड़ी थी और वो खूनी। अरे ये मीनाक्षी है ही नहीं, तो तुम मीनाक्षी का खूनी कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं है, नहीं है, ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है। नहीं, ये मीनाक्षी का कंकाल नहीं है, लड़की का तो है ना? हाँ, ये कंकाल एक लड़की का जरूर है, लेकिन ये मीनाक्षी का कंकाल है। हाँ, मैं बता रहा हूं। इस माइक्रोस्कोप में झांक करके देखो, इस कंकाल पर से मुझे खास किस्म का बैक्टीरिया मिला है जिसकी उम्र ये 5 साल बता रहा है। 5 साल है बैक्टीरिया की उम्र? जी, और मीनाक्षी को मरे हुए कितना टाइम हुआ? 2 साल, सिर्फ 2 साल। तो फिर ये कंकाल मीनाक्षी का कैसे हो सकता है? अगर ये कंकाल मीनाक्षी का नहीं है तो फिर किसका है? ये तुम अपने सीनियर से पूछो ना यार। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस लड़की को मरे हुए 5 साल हो गए। मतलब जयराज ने उस घर में 2-2 खून किया है, मगर हमने वहां उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, एक एक कोना एक एक दीवार चेक किया, वहां कुछ और मिला नहीं। अगर ये कंकाल किसी और का है तो फिर मीनाक्षी कहाँ है? यार फिर तुम मेरे गले पड़ने लगे, मैं कैसे बताऊं कि मीनाक्षी कहाँ है? और सर ये भी एक बड़ी बात है कि ये कंकाल किसका है? ये कंकाल किसका है वो आपको ये बताएगा ये बिछुआ। तोरिंग, तोरिंग, इस तोरिंग से पूछिए कि तू बता ये कंकाल किसका है। इस बिछुए से बाद में पूछेंगे, पहले इस जयराज की खबर लेते हैं। इस तरह अचानक मुझे अमेरिका से बुलाकर आपने मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी। आपको मालूम ही है मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मीनाक्षी का खून करके यहाँ से भाग गए, छुप गए अमेरिका में, और फायदे नुकसान की बात कर रहे हो तुम? मीनाक्षी का खून? कौन है ये मीनाक्षी? मैं किसी मीनाक्षी को नहीं जानता। मीनाक्षी को नहीं जानते और ऐसे खून कर दिया उसका? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। 27 जुलाई 2009 को कहाँ थे तुम? मैं तो अमेरिका में था। अमेरिका में? जी सर, 14 मई को ही मैं अमेरिका चला गया था। आप एयरपोर्ट से पता लगवा सकते हैं, इमिग्रेशन से। उसके बाद मेरे बंगलों पे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, 2 साल पहले आप अमेरिका में थे, लेकिन 5 साल पहले यानी 2006 को तो यहीं पे थे ना? जी सर। तो आपके बंगले से हमें एक और कंकाल मिला है जो 5 साल पुराना है, किसका कंकाल है वो? 5 साल पुराना कंकाल? मगर अभी तो आपने कहा कि 2 साल पहले खून हुआ, अब आप कह रहे 5 साल पहले? 2-2 खून हुए वहां उस घर में, एक लाश दीवार में गाड़ दी और दूसरी लाश अभी तक गायब है, और दोनों खून लड़कियों के हुए। और तुम्हें मालूम नहीं उस घर में क्या हुआ है? किसने किया ऐसा? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। 4 साल पहले मैंने ये बंगला खरीदा था, उससे पहले वहां पर किसका खून हुआ ये मुझे नहीं मालूम। सर इनके पास तो पहले से ही बहाना तैयार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, आप चाहे तो मकरन से पूछ सकते हैं। अब ये मकरन कौन है? वही आदमी जिसने मुझे 4 साल पहले ये घर बेचा था। चलो मान लिया कि 5 साल पुराने खून से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीनाक्षी का खून 2 साल पहले हुआ है तुम्हारे घर में, इसका जवाब चाहिए हमें। इसका क्या जवाब दूं सर, 2 साल पहले तो मैं अमेरिका में था। अब ये अमेरिका की रट लगाना बंद कर दो तुम, घर की रखवाली के लिए कोई चौकीदार तो होगा ना वहां पे? हाँ, तो फिर खून कैसे हो गया घर के अंदर? हाँ, विक्रम नाम का कोई चौकीदार तो था, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? पूछ लेंगे, जरूर पूछ लेंगे। है कहाँ ये विक्रम? ये तो होमिका ही बता सकती है। होमिका? अब ये होमिका कौन है? मेरी भतीजी है, चौकीदार को हर महीने वही पैसे देती थी। आप चाहो तो मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, दे तुम इनके साथ जरा होमिका के घर जाओ, और जिसने इसे घर बेचा है मकरन, इस मकरन को भी मिलना पड़ेगा। आप लोग मकरन से मिलने आए हैं? जी हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। उनकी तो पिछले साल मौत हो चुकी है। क्या? मकरन मर चुका है? जी हाँ। पर कैसे? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? वैसे आप कौन है? जी
मैं उनकी वाइफ हूँ रागिनी। और आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए ना। चार साल पहले मकरंद ने अपना घर जयराज को बेचा था, आपको तो पता ही होगा। हाँ। उस पुराने घर में से हमें कंकाल मिला है। क्या कंकाल? 5 साल पुराना कंकाल, वो भी एक लड़की का। सर, मेरी और मकरंद की शादी तो 4 साल पहले हुई थी। उस कंकाल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं किसने वहाँ पर रखा है। मकरंद ने ही रखा होगा, और कौन रख सकता है उसके घर में। मकरंद ने आपको इसके बारे में कभी बताया नहीं? नहीं, दरअसल मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। दूसरी बीवी? जी, उनकी पहली बीवी सोनाली चूंकि उनको 5 साल पहले कहीं छोड़कर चली गई थी। 5 साल से सोनाली गायब है। हमें जिस लड़की और कंकाल मिला वो भी 5 साल पुराना है। बात बिल्कुल साफ है, मकरंद ने ही सोनाली को मारा है। नहीं नहीं, मकरंद तो सोनाली से बहुत प्यार करते थे, आखिर वो उसका खून क्यों करेंगे। कितना प्यार करता था साफ दिख रहा है। 1 साल के अंदर ही फटाफट दूसरी शादी भी कर ली। ये फोटो किसकी है? जी, ये मकरंद है। अच्छा, तो ये है मकरंद साहब, काफी बड़े लगते हैं आपसे। जी हाँ। ये सोनाली है ना? जी हाँ। काजल, जरा वो टोरिंग देना जो हमें उस कंकाल में से मिला है। ये बिल्कुल वही टोरिंग है, इसका मतलब कंकाल सोनाली का ही है। आ रही हूँ, आ रही हूँ बाबा। नानी कौन है? अरे अंकल आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। कब है अंकल आप अमेरिका से? बस बेटा, कल रात को ही आया। अच्छा। इन लोगों की वजह से आना पड़ा। कौन है अंकल ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी। मिस्टर जयराज का एक चौकीदार था विक्रम। विक्रम? जी हाँ, था तो विक्रम नाम का एक आदमी, मगर वो तो 1 साल से काम पे नहीं आ रहा। 1 साल से काम पे नहीं आ रहा? आपने उसे काम से निकाल दिया था या फिर वो खुद काम छोड़ के चला गया? एक्चुअली उसने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी, कह रहा था कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। आपने पूछने की कोशिश नहीं की, बात क्या हो गई, क्यों नहीं आया वापस वो? नहीं, सोचा कि वो अपने आप आ जाएगा, इसीलिए तो हमने दूसरा चौकीदार भी नहीं रखा। बड़ी अजीब बात है, पिछले 1 साल से आपके बंगले में कोई चौकीदार नहीं है, बंगला ऐसे ही पड़ा है। आपको डर नहीं लगा कि कोई अंदर घुस जाएगा या कुछ हो जाएगा वहाँ पे? कुछ हो गया है क्या? हाँ, खून हुआ है। खून? हाँ, खून, दो दो खून हुए वहाँ पे, एक 5 साल पहले और दूसरा 2 साल पहले, और शायद इस खून में इस विक्रम का भी हाथ है। मगर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, ये बताइए कि ये विक्रम रहता कहाँ पे? गुनाह करके भागना ठीक नहीं है। आपने तो मेरा चेहरा ही टेढ़ा कर दिया साहब। किसने मारा मीनाक्षी को? कौन मीनाक्षी? तेरे होते हुए वहां उस घर में खून हो गया और तुझे पता नहीं कि मीनाक्षी कौन है? ये देख, किसे पहचानता है? ये है मीनाक्षी, इसका खून हो गया उस बंगले में। नहीं साहब, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ये खून 27 जुलाई 2009 की रात को हुआ, याद करके बता कि उस रात तू कहाँ था।
27 जुलाई 2011, ये तो पिछले 2 साल पहले की बात है साहब। उस वक्त मैं कहाँ नौकरी करता था, मुझे कैसे पता होगा साहब? 3 गिनता हूँ, अगर याद आ जाए तो ठीक, मैं तो पता नहीं तेरा क्या होगा। एक, साहब। दो, साहब, साहब ये ठीक नहीं है साहब। 3, साहब, साहब याद आ गया साहब, साहब। कमाल की बात है, याद आ गया। 3 गिनती में सब कुछ याद आ गया तुझे, हाँ? बता क्या याद आया? साहब 2 साल पहले मेरे पास 2 आदमी आए थे, उन्होंने बोला कि एक रात के लिए ये बंगला भाड़े पे चाहिए पार्टी करने के लिए, तो मैं तो तुमने उसे वो बंगला दे दिया पार्टी करने के लिए? हाँ साहब, उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैंने सोचा एक रात में 5,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और उसी एक रात में वहाँ पे खून हो गया? नहीं साहब, नहीं साहब, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। मुझे क्या पता साहब कि उन लोगों ने उस रात इस बंगले में क्या किया साहब। अगर मुझे पता होता तो ये बंगला मैं उन्हें कभी नहीं देता साहब, कभी नहीं देता। अच्छा, इस स्केच को ध्यान से देखो, इस आदमी को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, यही तो उन दोनों में से एक आदमी है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, नाम क्या है इसका? इसका नाम मुकेश, नहीं के, हाँ साहब, इसका नाम कैलाश है। हाँ हाँ साहब, यही कैलाश है जो मेरे पास बंगला मांगने के लिए आया था साहब। अच्छा, इसने अपना कोई एड्रेस या फोन नंबर तो दिया होगा ना? साहब एड्रेस तो नहीं लिया था साहब, पर उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था मैंने। एक मिनट साहब, ये लीजिए साहब। AE03 MH9514। सचिन आज वो जाओ, इस कैलाश का एड्रेस वहीं से मिलेगा। अभी भी कोई तमन्ना बाकी है तेरी? नहीं नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये देखिए सर, डीवीडी वाले ने जो स्केच बनाया था वो इसी का है। और तू कौन है? मुन्ना, मुन्ना हूँ सर। मुन्ना क्यों मारना चाहता था कैलाश को? वो गोविंद ने सुपारी दी थी इसका खून करने के लिए। अब ये क्या चक्कर? गोविंद और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। कैसा बिजनेस? साहब हम लोग मूर्तियां चुराते थे म्यूजियम से, पुराने मंदिरों से। ओ, और उसे विदेशों में बेचते थे क्या? हाँ साहब। तो इस सब में ये मीनाक्षी कहाँ से आ गई बीच में? साहब गोविंद और मेरे बारे में मीनाक्षी सब कुछ जान चुकी थी। ओ, तो इसलिए मीनाक्षी को मार दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, गोविंद ने मारा मीनाक्षी को। बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम, अगर पुलिस के पास जाओगे हमें पकड़वाओगे तो उससे तुम्हें हमें क्या मिलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बिजनेस में तुम हमारे साथ मिल जाओ, पार्टनर बन जाओ हमारी, देखना रातों रात माला माल हो जाओगी। मेरी आत्मा अभी तक मरी नहीं, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। मत कर, बनी रहो देशभक्त, बनी रहो मगर चुपचाप रहो। नहीं, मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। अगर जाने लायक रहोगी नहीं तो कैसे जाओगी तुम? ये दोनों टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिर भी जाऊंगी। नादान छोकरी,
अगर तेरी लाश चल के जा पाएगी तो ही जाने दूंगा तुझे। कितना बुजदिल आदमी है तू, पर्दे के पीछे खड़े होके वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा लेकिन मीनाक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं मीनाक्षी को बचाने जाता तो वो मुझे भी गोली मार देता साहब। अच्छा चल गोविंद के घर लेके चल। नहीं साहब, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा तो कितना सच बोल रहा और कितना झूठ। जी कहिए। कोई साहब है घर पे? बुलाओ जरा। साहब तो घर पर नहीं है। साहब घर पे नहीं है, कहाँ गए? साहब पुना गए हैं। पुना गए? अच्छा जरा देखो घर के अंदर, आखिर में पुना गए या घर पे ही है? किस काम से गए तुम्हारे साहब पुना? पता नहीं, साहब बोले कोई बहुत जरूरी अचानक काम आ गया है और साहब बहुत घबराए हुए भी थे। घबराए हुए थे सर? वाकई में घर के अंदर कोई भी नहीं? कोई नहीं, चलो। अच्छा ये तुम्हारे साहब पुना गए कैसे, ट्रेन से या? साहब वो अपनी ओपन जीप से गए हैं। ओपन जीप से? मुझे पता है हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा फिर भी भगाया जा रहा है। देखो ऐसा नहीं मानेगा सर। मुझे मालूम था, मालूम था मुझे कि एक ना एक दिन तू पीठ में जरूर छुरा घोंपेगा। गद्दार! मीनाक्षी को क्यों मारा तुमने? ये मीनाक्षी कौन है? क्यों मारा मीनाक्षी को? अरे है कौन ये मीनाक्षी? मीनाक्षी है कौन? मैं मीनाक्षी को नहीं मारता तो पुलिस में चली जाती और हम लोग पकड़े जाते। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? हा? देश की मूर्तियां चुरा चुरा कर बाहर देश में बेचते हो और अब खून करके छुप कर बैठे थे। लाश कहाँ है मीनाक्षी की? मीनाक्षी की लाश? ठीक सुना तुमने, मीनाक्षी की लाश कहाँ है? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, इससे पूछो ना इस गद्दार से। लाश को इसी ने जमीन में गाड़ा था। सर ये मुझे फंसा रहा है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये फंसा रहा है मुझे। लाश को कहाँ गाड़ा? सर झूठ बोल रहा है सर ये। सर गोली लगने के बाद मीनाक्षी मरी नहीं थी सर, वो जिंदा है। क्या मीनाक्षी जिंदा है? दीदी, दीदी आप जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र। दीदी दीदी उठो ना, दीदी आंखें खोलिए ना। मीनाक्षी कोमा में है, वो नहीं उठेगी। क्या कोमा में? जब से उसे गोली लगी है वो उठी नहीं। मैं इसे यहां लेकर आया था, ये मेरी बहन है, इसने इसकी देखभाल की। मैं एक नर्स हूं, मैंने इनकी जान तो बचा ली पर ये कोमा में चली गई। हे भगवान, मुझे मेरी दीदी मिली तो भी इस हालत में। तानिया, मैं कम से कम खुश होना चाहिए कि मीनाक्षी जिंदा तो है, ऊपर वाले ने चाहे तो शायद बच भी जाएगी। हाँ वैसे कैलाश, तुमने मीनाक्षी की जान क्यों बचाई? तुम्हें डर नहीं था पकड़े जाने का? सर मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ और मुझे डर यह था कि कहीं गोविंद को पता चल गया कि मीनाक्षी अब भी जिंदा है तो उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा। मगर दो साल बाद अचानक तुम्हारा ईमान कैसे जाग गया? हाँ कि वो डीवीडी जाके तुमने उस दुकान वाले को दे दी, ना डीवीडी देता है ना पकड़ा जाता। कैलाश भैया को ब्रेन ट्यूमर है,
ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इसलिए मैं चाहता था कि गोविंद को जेल हो जाए और मेरे बाद मीनाक्षी के घर वाले यहां आकर उसको देखें। देखो कैलाश, तुमने गुनाह तो किया है लेकिन एक जान भी बचाई है। हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट तुम्हें कम सजा दे। चलिए सर, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि तानिया को उसकी बहन मिल गई। आज हमारा केस खुशी के मौके पे खत्म हो गया। जी चाहता है कि डांस कर लूं। नहीं फ्रेडी, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि सोनाली का खून किसने किया है। मकरन तो मर गया, अब अगर सोनाली का खून उसने किया भी है तो वो तो गया हमारे हाथ से। फिर भी कोई ठोस सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा कि खून मकरन ने किया है, वरना तब तक नींद नहीं आएगी। ये तो आई। से सोनाली के भैया और भाभी हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है और ये है मेरी वाइफ अश्मित। आप लोगों ने सोनाली की मौत की खबर तो सुनी होगी। जी, ये तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोनाली इनकी इकलौती बहन थी। माँ बाप की मौत के बाद इन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब किसने किया होगा कुछ अंदाजा है? जरूर, ये काम मकरंद का ही है। उसको दूसरी शादी करनी थी इसीलिए वो मेरी बहन को ऊपर पहुंचा के ही माना। तो ये मकरंद और सोनाली एक दूसरे से अलग होना चाहते थे? सोनाली तो नहीं, मगर मकरंद चाहता था। वो तो सोनाली के पीछे ही पड़ गया था कि डिवोर्स दे दे, पर सोनाली ने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों, ये मकरंद सोनाली से डिवोर्स क्यों चाहता था? उसकी अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी हनी से अफेयर चल रहा था, वो उससे दूसरी शादी करना चाहता था। पर सर, मकरंद की शादी तो रागिनी के साथ हुई है, फिर बीच में ये सेक्रेटरी हनी कहाँ से आ गई? ये रागिनी कौन है हमें नहीं पता। हम तो उसकी दूसरी शादी में भी नहीं गए थे। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मकरंद हनी की वजह से सोनाली को छोड़ना चाहता था। बड़ी अजीब बात है, मकरंद का अफेयर चल रहा था हनी के साथ और उसने शादी कर ली रागिनी से, पर ये हनी है कहाँ पर? इस हनी का एड्रेस है आपके पास? हम लोग CID से हैं और हमें हनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। CID से? पर हनी तो 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई और वापस लौटी नहीं। पता नहीं कहां पर है, किस हाल में है। 4 साल पहले घर छोड़ के चली गई, क्यों? कहती थी कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। लेकिन हनी तो मकरन टेक्सटाइल में काम करती थी ना? हाँ, वहां पर सेक्रेटरी जॉब करती थी, पर 4 साल पहले वहां से भी जॉब छोड़कर चली गई। मगर हमने तो सुना था कि हनी और उसके बॉस के बीच में प्यार व्यार का कुछ चक्कर चला था ना? जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, आपके पास हनी की कोई फोटो है? जी हाँ, ये लीजिए। क्या ये हनी है? देखा तुम लोगों ने? आप यहाँ? हाय हनी। हनी, ये क्या है? कुछ नहीं, आया हूँ, जरा पास से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ कॉफी पी लूँ। हनी, देखिए, आप CID से हैं इसीलिए मैं आपसे लिहाज से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी रात को यहाँ अकेले और ऊपर से आप मुझे हनी वानी कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। अरे कहाँ चली गई हनी? हनी देखो सर, क्या होने के, तुम देख लो। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें सब करके बच नहीं सके। नहीं,
पास बताओ मेरे। अगर मेरी तरफ बढ़े ना तो तुम सब भी मेरे साथ मारे जाओगे। हमें साथ लेकर मर की हा? कौन है ये? मैं ही हनी हूँ। और सोनाली को किसने मारा? मैंने। क्यों क्यों मारा? क्योंकि वो मकरंद को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मगर एक गलती हो गई, उसके पैरों से अंगूठी बिछुआ निकालना भूल गई तुम। लेकिन ये सब मकरंद को पता नहीं चला? मकरंद तो एक साल से उसका इंतजार कर रहे थे। एक साल से बीवी की लाश घर पे थी तो बेचारे को पता भी नहीं चला। इतने दिनों से नाम बदल के छुपी हुई हो, अपनी माँ की याद नहीं आई? माँ की याद आती है, लेकिन अगर यहाँ से जाती तो पकड़ी जाती, इसलिए नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ आएगी तुमसे जेल में मिलने, बहुत टाइम मिलेगा तुम लोगों को मिलने के लिए, अगर फांसी का ऑर्डर जल्दी नहीं आया तो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।